किंग ऑफ द सारंगपुर। हेलो गाइस, प्रिंस वारेचास हियर, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे एक नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी बज रहे हैं 6:08 हो रही है और अभी हम जा रहे हैं सारंगपुर। हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा, तो मिलते हैं आपको रास्ते में, ठीक है, बने रहिए। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, दिन हो चुका है अब, और हरियाली ही हरियाली अब चारों तरफ। अभी आने वाला है सारंगपुर, उसके पहले हम थोड़े रुके थे फ्रेश होने के लिए। हमारे जीतू भाई भी थोड़े हल्के होके आ गए हैं। हाँ यार, हल्का होना पड़ा हमें थोड़ा, क्या करे, कब से बैठे थे, आधा घंटा हो गया था। और इधर क्या है, ये वाइट वाइट क्या दिख रहा है? ये वाइट वाइट कपास है, कपास। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मस्त नजारा है एकदम, एटमॉस्फेयर कूल कूल, ठंडी आ रही है एकदम, अच्छा लग रहा है एटमॉस्फेयर। अभी इस तरफ कुछ आ रहा है तो हम इधर जाते हैं। यहाँ से सारंगपुर 14 किलोमीटर है। यस, इस हाईवे से जस्ट यहाँ से ही हम अभी आए, तुरंत ही यहाँ पे एक नाश्ते की दुकान मिली जहाँ पे अभी हम रुके हैं, कष्ट भंजन नाश्ता हाउस, यहाँ पे हम अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। भाई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा सा नाश्ता मिलता है, तो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं। वैसे तो अभी ये तुरंत ही बना रहे हैं गर्मा गर्म। फ्रेश गर्मा गर्म बन रहा है, फाफड़ा है ना, तो हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं श्री कष्ट भंजन प्रवेश द्वार पे। कुछ इस टाइप का है प्रवेश द्वार, देख लीजिए। हमारी गाड़ी अभी पहुंच चुकी है यहाँ पे, अब अंदर जाएंगे। अंदर का नज़ारा एकदम देखने लायक है, आप व्लॉग पे बने रहिए और देखना कि सारंगपुर का कष्ट भंजन हनुमान का मंदिर कैसा है। ठीक है, चलो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं सब। सो गाइड्स, आप देख रहे हो ये कष्ट भंजन द्वार है और यहाँ पर हम खड़े हैं अभी, और ये हमारी गाड़ी है और यहाँ से हम अभी प्रवेश द्वार के अंदर से हम निकलेंगे, अभी अंदर जाएंगे, तो मिलते हैं मंदिर पे, बने रहिए। सो हेलो गाइस, अभी हम आए हैं कष्ट भंजन हनुमान जी मंदिर के अंदर पार्किंग में। अभी हम गाड़ी रखेंगे यहाँ पे, सब गाड़ी लाइन में रखी हुई है, तो हमारी भी गाड़ी लाइन में रखेंगे
उसके बाद जाएंगे पहले तो नहाने के लिए, उसके बाद मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए, अभी दिखाते हैं आप सबको, जाते आगे आगे नज़ारा एक देख लीजिए, फिर आगे से दिखाएंगे उसको, तो मिलते हैं, बने रहिए। चलो दोस्तों, अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी बैग अंदर गाड़ी में रखने के लिए जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको बैग रख के। दोस्तों अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे दर्शन के लिए। अब अभी सब जा रहे हैं दादा को मनाने, सबके सब आ गए, वो राहुल किधर गया वो मालूम नहीं है। राहुल अभी हम आ चुके हैं कष्ट भंजन देव के मंदिर में और अभी मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं मेन गेट से। इसके बाद अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर, तो इस तरफ मंदिर है, ये मंदिर का मेन मंदिर है और पीछे दिख रहा है वो मूर्ति है। अभी हम सभी जगह पे जाएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलो फिर बने रहिए व्लॉग पे। गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, इसलिए हम अभी है ना ये जो दिख रही है मूर्ति यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तब तक ये लाइन कम हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं तो मूर्ति के पास, पहले हम वहाँ जाके आते हैं, उसके बाद यहाँ से हम दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग पे। अभी ये क्राउड देखो, स्कूल के सब स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं और ये आगे से कुछ इस टाइप का है। अभी बहुत ट्रैफिक है, ये कम हो जाएगी, तब तक हम वहाँ पे जाके आते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग पे, मिलते हैं अभी यहाँ से। दान भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह, प्रसाद भी आपको यहाँ से मिल जाएगी और श्रीफल भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, नारियल जो बोलते हैं उसको यहाँ से मिल जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं उस मूर्ति के पास, बने रहिए। और यहाँ पे चाय, दूध, कॉफ़ी, पानी की बोतल, थेपला, यहाँ पे सब मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और हाथ में बांधने के लिए धागे वगैरह भी मिल जाएंगे। पीछे से कुछ इस टाइप का दिखता है ये मंदिर, उसके जस्ट पीछे ही एक बड़ा सा गार्डन है। और देखो, पहले आए थे बॉयज, अभी ये गर्ल स्टूडेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी आए हैं। मोस्ट ऑफ लिखिए तो सर्दी की सीजन आती है, तभी सभी स्कूल में जाते हैं, इसलिए सब जा रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। अभी ये छोटे बच्चे स्कूलों के अंदर से ही आते हैं घूमने के लिए, और आम पब्लिक भी बहुत सारी है। और मूर्ति का व्यू देखिए, और ये गार्डन है कुछ इस टाइप का। चलो राहुल भाई, क्या कर रहे हो, जल्दी चलो ना। इस तरफ लोगों के लिए वो इस तरफ है ना, हम गए थे नहाने के लिए, और ये है होटल,
यहाँ पे हम रुक सकते हैं। 3-star 5-star होटल नहीं, 3-star या 4-star होटल है। बाकी सब होटल आपको बाहर भी मिल जाती है, यहाँ पे भी मिलती है। और बाथरूम और जनरल पब्लिक को रहने के लिए जगह देखो, सिर्फ एक नंबर। और यहाँ पे सब फ्री है, यहाँ पे सब फ्री है। यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे लोग नाश्ता भी करते हैं अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे सब फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। देखो ये छोटी बच्ची कितनी खुश हो रही है मंदिर देख के, अपने मॉम डैड के साथ आई हुई है। हमारे तो फ्रेंड्स देखो फोटो में बिजी है, सब के सब वहाँ पे लगे हुए हैं फोटो खींचने के लिए। दूर से क्या फोटो लेना है, अभी तो है थोड़ा दूर है तो पास आके ही खींचेंगे। जिसको जैसा पसंद आए वो सब वैसा ही करते हैं। आप भी देख लीजिए मूर्ति को, आई होप कि आपको मूर्ति दिख रही होगी। बाकी यहाँ पे सब फोटोग्राफी भी करते हैं। चलो फिर बने रहिए व्लॉग पे, दिखाता हूँ आपको पास जाके। किंग ऑफ द सारंगपुर, तो अभी मंदिर से फोटोग्राफी बहुत सारी रील्स बना के अभी निकल रहे मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। अभी मूर्ति के पास बहुत सारी रील्स बनाई मैंने और जीती भाई ने। हाय फ्रेंड्स, बहुत सारी मतलब घंटा दो घंटा खींच लिया रील्स में ही। अभी जा रहा है मंदिर के पास, मेरा मंदिर जाते हैं, देखते हैं अब कितनी ट्रैफिक है, कम हुई कि नहीं देखते हैं। बने रहिए ब्लॉग पे, ठीक है दोस्तों। अभी ट्रैफिक तो वैसी की वैसी है जीतू भाई, ट्रैफिक तो वैसी की वैसी ही है। चलो चलते हैं, जाते हैं वहीं पे। वो लोग तो आगे चले गए, अभी हम जा रहे हैं पीछे। यहाँ पे प्रसादी दोरे धागे आपको कुछ जो भी कुछ चाहिए वो मिल सकता है। अच्छा अभी आई थिंक कम हो गई है गिरदी, बंद कर दिया क्या यहाँ से? बंद लग रहा है तो बंद कर दिया क्या मंदिर? मुझे लग रहा है फिर से बंद हो गया मंदिर, फिर से बंद कर दिया है। बस मंदिर बंद कर दिया है, अब खुलेगा शाम को। अब जाएंगे बंद हो गया।
तो अब कितने बजे? हाँ चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम गए थे खाना खा लीजिए। सच सच बताना, ऐसा खाना कभी आपने खाया है क्या? नहीं, मैंने ऐसा खाना, इतना बेस्ट था खाना कि बात ही मत पूछो। और आपको लग रहा है ना कि नहीं ये सब मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कभी आप आना सारंगपुर में और खुद ही टेस्ट कर लेना कि कैसा है खाना। एक नंबर था, बाकी आपको मतलब अच्छा ही लगेगा। और हर रोज अलग अलग मेन्यू होता है। आज 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 क्या था मेन्यू में? वो रोटी सब्जी, दो सब्जी, मोतीचूर के लड्डू थे ना वो, और सीरा को क्या बोलते हैं? सीरा ही बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ होगा। क्या मालूम गुजराती में तो सीरो कैसे, बाकी हिंदी में पता नहीं सीरे को क्या बोलते हैं, सीरा ही बोलते होंगे आई थिंक। लापसी, अभी लापसी तो वो अभी कष्टभंजन मंदिर खुला नहीं है, दूसरी बार आए। पहली बार वो मूर्ति के पास में गए थे लेकिन तभी नहीं खुला। अभी दूसरी बार खाना खा कर फिर वापस आए, अभी नहीं खुल रहा है। मतलब आज भगवान चाहते हैं कि हम पूरा दिन यहाँ पे बिताए, है ना। और अभी थक गए हैं, कल के आए हुए हैं रात से, कल रात के निकले हुए हैं। वैसे तो अभी हम चाहते हैं कि मंदिर जल्दी से जल्द खुल जाए और हम दर्शन करके लाभ मिले। फिर हम जाएंगे बगुड़ा की ओर, धाम की ओर, वो हम नेक्स्ट वॉक में मिलेंगे। अभी तो यहाँ पे है, जैसे जैसे जो कुछ होता है उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक बने रहिए ब्लॉग पे दोस्तों। अभी दर्शन तो हुए नहीं, तो दिशा मन याद करा जी। और अभी हम बाहर से दर्शन कर लिए और जा रहे हैं अभी रिटर्न। अब डायरेक्टली यहाँ से चले जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों अभी गेट तो बंद था, मंदिर से दर्शन हो नहीं पाए, तो अब हम निकलते हैं अपने एक नए प्लेस पे। तो हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर है वो अभी सोए हुए हैं यहाँ पे रेस्ट रूम में, जो कि पुरुषों के लिए जो जनरल रूम होता है यहाँ पे मिल जाता है सबको फ्री में। तो हम गए थे वहाँ नहाने धोने के लिए, तो वहाँ पे रुके थे वो, और उनको बहुत नींद आ रही थी, तो हमने बोला कि आप यहीं पे सो जाओ, फिर हम जब दर्शन वगैरह करके आएंगे तो आपको सब यहाँ पे आएंगे और उठाएंगे, फिर गाड़ी में जाएंगे, तब तक आप सो जाना। तो अभी इसके अंदर वो है, उनको जगाने के लिए जा रहे हैं। वो लास्ट में सोए हैं। देखो कैसे नींद ले रहे हैं, अभी उनको जगाएंगे। समीर भाई चलो, नींद हो गई पूरी, चलो तो फिर चलते हैं। बहुत सारा टाइम निकल गया, आप तो सोए ही हो पूरे दिन से। तो अभी वो जग गए, फिर चलते हैं। उनको थोड़ा अभी थोड़े जगे हैं अभी तो थोड़ा वो एकदम से कंप्लीट हो जाए फिर चलते हैं उनके साथ। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम सारंगपुर से दर्शन वगैरह कर लिए, मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। आप कभी आना, एकदम मज़ा आएगा, आपको कहीं पे भी कचरा दिखाई नहीं देगा और सभी जगह एकदम शांति बनी रहती है, कोई शोर नहीं होता है। और खाने की तो बात ही मत पूछो, खाने का तो इतना बेस्ट खाना मिला, आई थिंक दिन में कितने लोग खाते होंगे यहाँ पे। और पब्लिक का तो बात ही छोड़ो, क्योंकि क्राउड इतना ही रहता है कि हर दिन ट्रैफिक ही रहती है। मेरा व्लॉग
यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। मेरी सारी अपडेट आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएगी, तो मैं दोनों ही अंदर ऐड कर दूंगा, तो आप सभी फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।